कृष्ण कि यदि तुम जाओगे कभी लौट कर नहीं आओगे। मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछूं? पूछो। ऐसा क्या है कि तुम अपनी राधा के पास पुनः लौट कर नहीं आ सकते? क्योंकि मेरा कर्तव्य मेरे माँ बाबा को छुड़ाने से आरंभ होगा, अंत नहीं। मेरे जन्म का उद्देश्य, मेरे जीवन का कार्य सदैव मुझे आगे ले जाएगा राधा, यही मेरी नियति है। जानते हुए भी कि कदाचित ये हमारी अंतिम भेंट है, मैं कहती हूँ कि चले जाओ कृष्ण, अपने माता पिता को मुक्त करवाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, यही तुम्हारी राधा की इच्छा है। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। मुझे क्या था, मेरी राधे यही कहेगी, मुझे अपने कर्तव्य के लिए मुक्त कर देगी, क्योंकि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं, उन्हें उन्मुक्त करना। और ये मेरी राधे समझ चुकी और एक उदाहरण बनकर इस संसार को समझा रही है। एक और बात है कृष्ण जो संसार को बतानी है। सब कहते हैं जब दो प्रेमी मिलते हैं तो सब कुछ विशेष होता है, और यदि प्रेम परिशुद्ध हो तो जब दो प्रेमी बिछड़ते हैं तब भी सब विशेष होता है। मैंने जो जो वचन तुम्हें दिया है मैं वो सब पूर्ण करूंगी, तुम्हारा तिलक करूंगी, अपनी सखियों के साथ मिलकर तुम्हें विदा करूंगी, रंगों से खेलूंगी। और तुम्हें ने कहा था ना कि हम अनंत के प्रेमी हैं, और अनंत के प्रेमी मिलकर बिछड़ते हैं, बिछड़ कर मिलते भी हैं ना, है ना कृष्ण? मुझे जाने दो कृष्ण। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो राधे, मेरी मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी।
लेना है। क्यों पीड़ा से मेरा मन इतना पीड़ित हो रहा है? क्यों मेरा मन अभी भी चाहता है कि मैं कृष्ण को रोक लूं, यहाँ से कहीं नहीं जाने दो उसे। अब आप ही मुझे शक्ति दीजिए नारायण, मेरा प्रेम मेरी शक्ति बने, दुर्बलता नहीं। मेरा प्रेम कृष्ण के कर्तव्य पथ की बाधा नहीं, उसकी संभाल बने, उसकी संभाल बने। और मेरी ये दुर्बलता किसी भी क्षण कृष्ण के समक्ष किसी भी प्रकार से ना आने देना, अन्यथा मेरा कृष्ण कहीं नहीं जाएगा, अपने कर्तव्य और अपने पुत्र धर्म से कहीं मेरा कृष्ण पीछे ना हट जाए। मैं उसकी शक्ति बनना चाहती हूँ, मैं राधा हूँ, उसके दायित्वों की बाधा नहीं। शक्ति दीजिए नारायण, जो तीन अंतिम वचन मैंने कृष्ण को दिए कि मैं स्वयं उसका तिलक करूंगी, अपनी सखियों के संग मिलकर उसे प्रेम से विदा करूंगी। मैं कृष्ण की शक्ति बनना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए के ये वचन पूर्ण हुए बिना कृष्ण कहीं नहीं जाएगा, ये कृष्ण का वचन है। नमामि स्वाहा। प्रभो महादेव भूधन्यम धनश्चक्र प्रभो धन्यम स्वाहा। हाथों के कड़े उतारो, शीघ्र करो। नहीं, ये मेरे माथा के आभूषण है, ये नहीं। सारे आभूषण दो शीघ्र। महाराज यज्ञ मथुरा के लिए कर रहे हैं। इससे पहले तो उन्होंने प्रजा के लिए कोई यज्ञ नहीं किया था, तो फिर ये सब नहीं, इसमें भी उनका कोई स्वार्थ ही छुपा होगा। बिल्कुल, ऐसे राजा से जितनी शीघ्र मुक्ति मिले उतना ही अच्छा होगा। महाराज अब ग्रामवासियों की आहुति देने का समय है, अब अंतिम आहुति के समय आइएगा। गुडिला गुडिला, यज्ञ संपन्न होने वाला है, एक अभय धनुर्कवच का निर्माण होने वाला है। किंतु अक्रूर जो कृष्ण को लाने गया था, अभी तक आया क्यों नहीं? वो संभवतः वो अपना उद्देश्य भूल गया होगा। तुम किसी भी प्रकार उस कृष्ण को यहाँ लाने का प्रबंध करो, शीघ्र अतिशीघ्र। उस कृष्ण के अंत का ये अंतिम अवसर है। आप तनिक भी चिंता ना करें महाराज, हम अपनी पूर्ण शक्ति लगा देंगे, कैसे भी करके उस कृष्ण को आपके समक्ष प्रस्तुत करके रहेंगे। नहीं, आप रोइए मत, मैंने आपसे कहा ना, मैं जहां भी जाऊं यशोदा नंदन ही रहूंगा, आप ही मेरी माता रहेंगी और मैं आप ही का लल्ला रहूंगा। किंतु लल्ला, मुझसे तो तू बहुत दूर जा रहे ना, मैं कब लौटेगा ये भी नहीं जानती। और महाराज कल तो बहुत शक्तिशाली है, न जाने क्या करेंगे तेरे साथ, उनका उद्देश्य क्या है ये भी नहीं जानती मैं। कंस का उद्देश्य जो भी,
पूर्ण नहीं होगा। अरे मैं आप देखिए ना, मेरे साथ मथुरा के सर्वश्रेष्ठ योद्धा रहे हैं। अरे दाऊ मेरे साथ हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? महाराज कंस को बोल कर तो आए कि कृष्ण को वहां भेजने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगी, परंतु समझ में नहीं आ रहा है कि करूं तो करूं क्या। मान लो वो यहां से चला भी गया, परंतु ये कैसे सुनिश्चित करूं कि वो मथुरा ही जाए? कैसे? एक समाधान है मेरे पास में। हमें पूरे बरसाना में इस बात को फैला देना चाहिए। जब पूरे गांव को पता चलेगा कि कृष्ण मथुरा जा रहा है, तब कृष्ण मना ही नहीं कर पाएगा, और फिर वो चाहे या ना चाहे, कृष्ण को मथुरा जाना ही होगा, अन्यथा उसकी माता पिता का बड़ा अपमान होगा। उचित कहा, माँ बाबा का अपमान जो वो कृष्ण कदापि नहीं होने देगा। कान्हा, मैंने तो यहां हम दोनों के सामान के बस दो झोले तैयार किए थे, फिर ये 10-12 झोले वो मैंने रखे हैं। मेरे लला की सारी प्रिय वस्तुएं, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती तो क्या? मेरा प्रेम तो तेरे साथ जा ही सकता है ना लला। सब ले जाऊंगा अपने साथ, एक एक वस्तु। अब शांत हो जाए। कहो कान्हा, अब हमें जाना कब है? आज रात्रि जब समस्त बरसाना और वृंदावन निद्रा में होगा, तभी हम दोनों प्रस्थान करेंगे। तब मैं जानती थी आप विलाप कर रही होंगी, जानती थी आप रो रही होंगी। समग्र गांव को पता चल चुका है अमहा अमात्य अक्रूर जी यहां पधारे हैं कृष्ण और बलराम को ले जाने की, तभी तो मैं भागी भागी आ गई। अरे ये साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है, बरसाना और वृंदावन के मल युद्ध के विजेता हैं, बड़े वीर हैं इस राज्य के। ऐसे वीर से कंस महाराज भी तो मिलना चाहेंगे। आओ कृष्ण आओ, तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।